ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन सीमा से लगने वाली सरहद पर जीरो पॉइंट की हैं। तस्वीरों में नाचते गाते झूमते जवान आईटीबीपी के हैं। ये वही इलाका है जहां आए दिन चीन अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की फिराक में जुटा रहता है। पंद्रह हजार फीट पर तवांग की कई फॉरवर्ड पोस्ट पर आईटीबीपी के तैनाती है। यहाँ कठिनाई इतनी है कि कई फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचने के लिए मुश्किल भरे रास्तों से भी गुजरना पड़ता है। हालांकि पिछले सालों से इन इलाकों में सामरिक रूट बनाने का काम तेज हुआ है। आने वाले दिनों में पूरा इलाका बर्फ से ढक जाएगा। अभी फिलहाल तापमान -5 से -10 तक रहता है। यहाँ पर हवा इतनी तेज चलती है कि आप बहुत देर तक खड़े नहीं रह सकते, लेकिन चीन सरहद पर तैनात जवान मुश्किल हालात में दिन रात सरहद की सुरक्षा में लगे हुए हैं। तवांग से करीब 80 किलोमीटर का मुश्किल रास्ता तय करने के बाद इस वक्त हम लैंड वेक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड पोस्ट यानी कि जीरो पॉइंट पर पहुंचे हैं। यहां पर आकर लैंड वेक्चुअल कंट्रोल खत्म हो जाती है। 15,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर आप हवा को देखकर समझ सकते हैं कितनी तेज यहां पर हवा इस वक्त चल रही है। ऐसा लग रहा है कि हवा आपको उड़ा सकती है। और इस मुश्किल हालात में यहां पर हमारे जो सुरक्षा बल हैं, खास तौर से जो हिमवीर है, आईटीबीपी के जवान हैं, वो दिन रात पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और ये फॉरवर्ड पोस्ट का वो जीरो पॉइंट है जहां पर बिल्कुल जो सरहद है चीन से लगी हुई है। सामने जो झील नजर आ रही है वो चीन के इलाके में मौजूद है और ये वो इलाके हैं तवांग के जहां पर खासतौर से एक तरह से हर रोज ही कह सकते हैं कि फेस ऑफ की घटनाएं होती हैं। इन तमाम घटनाओं को, फेस ऑफ की घटनाओं को जो आईटीबीपी के जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ नाकामयाब करते हैं। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ मंजित नेगी, फॉरवर्ड पोस्ट। चीन सीमा पर तैनात इन जवानों को मौसम के कई रूपों का सामना करना पड़ता है। न सिर्फ मौसम बल्कि मुश्किल पथरीले पहाड़ और जमा देने वाली ठंड, लेकिन फिर भी ये जवान डटे रहते हैं, दुश्मन की हर एक हरकत पर नजर रखते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने को भी तैयार रहते हैं। इस इलाके में आईटीबीपी के जवान लगातार पेट्रोलिंग करते हैं और सीमा की निगरानी करते हैं। तनाव के बीच एलएसी के करीब भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, जिससे भारतीय जवान त्वांग सेक्टर में जीरो पॉइंट के करीब जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।